मुंबई से है जहां पर बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने श्रद्धा हत्याकांड को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि श्रद्धा ने पुलिस को जो चिट्ठी लिखी थी उसकी जान को किस प्रकार का खतरा है, इस बात को अगर पुलिस ने गंभीरता से लिया होता तो श्रद्धा की जान बच सकती थी। उन्होंने कहा कि यह हम नहीं बल्कि श्रद्धा के पिता कह रहे हैं जो अपनी बेटी को खो चुके हैं। राष्ट्रवादी के नेताओं की कोई जिम्मेदारी नहीं है। उस समय आप सत्ता में थे, उद्धव ठाकरे साहेब मुख्यमंत्री थे। पुलिस को अगर वसूली में नहीं लगाया होता तो उन्हें अपना काम करने दिया होता तो ये नहीं होता। उस समय जो लोग सत्ता में थे वे लोग श्रद्धा की हत्या के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं। श्रद्धा ने वसई पुलिस को जो चिट्ठी लिखी उसकी जान को किस प्रकार से खतरा है, ये सारी बातें उस चिट्ठी में थी। पुलिस ने यदि उस चिट्ठी को गंभीरता से लिया होता, उस पर कोई ठोस कार्रवाई की होती तो श्रद्धा की जान बच सकती थी। ये हमने, ये स्वयं श्रद्धा के पिता कह रहे हैं जो अपनी बेटी को खो चुके हैं। राष्ट्रवादी के नेता खुलकर के कह रहे कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, आप सरकार में थे, उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे, पुलिस को आपने वसूली के काम में नहीं ढोया होता, उनको अपना काम ठीक तरह से करने दिया होता तो श्रद्धा की जान बच सकती थी।